दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एग्जामिनेशन टाइम टेबल फॉर TY BAF सेमेस्टर 6, जो समर रेगुलर आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि आपको एग्ज़ाम मंडे से स्टार्ट होने वाली है, तो उसका आपको प्रिपरेशन आपने किया है तो और उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको शेड्यूल करना है आपके स्टडी का अकॉर्डिंगली, उसके बारे में आज करने वाला हूँ। सो बेसिकली आप इस वीडियो को पूरा स्टार्ट टू एंड तक जरूर देखिए और काफ़ी आपको वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नई नई टिप्स की वीडियो मैं आपको लेके आते रहूँगा। ठीक, सो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा मंडे को फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 का, ये जो पेपर होगा रिटर्न आपका 75 मार्क का होता है और आपने ऑलरेडी 25 मार्क्स का कॉलेज में इंटरनल दे दिया होगा। ठीक है, सो आपको 75 मार्क्स कैसे स्कोर करना है, इसका मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया क्या होगा। मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे होता है 30 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा, 75 में से आपको 30 मार्क्स लाना पड़ता है मिनिमम। ठीक है, और आपका 25 में से आपको मिनिमम लाना पड़ता है 10, ये हो जाता है 30 + 10 इज इक्वल टू 40 मार्क्स, 100 में से आपको 40 मार्क्स लाना होता है, तब जाके आप एग्ज़ाम में क्लियर हो जाते हो। ठीक है, सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता होगा, आपको पता चल गया। ठीक है, काम करना है। ठीक है, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 की बात मैं कर रहा हूँ, तो इसमें आप देखोगे सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके बाद आपको फाइनल अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का है, उसके बाद आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 है। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो में बनाया है प्रीवियसली, आप देखोगे मेरे ओल्ड वीडियो में आप जाओगे तो मिल जाएगा आपको, वो वीडियो भी आप रिफ़र कर सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि कितने चैप्टर में से, कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 7 का, वो आप रिफ़र कर सकते हो। थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कितना मार्क्स का आता है, क्योंकि देखिए मोमेंट लास्ट मोमेंट पे अभी आप पढ़ने जाओगे, पूरा सिलेबस आपने अभी तक नहीं स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो दिक्कत होगी। तो बेसिकली आप एक या दो चैप्टर, मिनिमम दो चैप्टर आप पढ़ के जाइए और ऑलमोस्ट 30 मार्क्स 40 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे आप। 40 मार्क्स आपका, मैं टॉपर स्टूडेंट की बात नहीं करूँ, जो स्टूडेंट अपनी स्टडी में मतलब वीक है, उनको पास होना है, सिर्फ क्लियर होना है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको क्या करना है, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को अच्छे से प्रैक्टिकल अच्छा कर लेना है, जिससे उसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में 75 में से 40 45 मार्क्स कहीं नहीं गया, और आपका कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें एटलीस्ट 25 में से तो आपको 15 मार्क्स तो मिल ही गया रहेगा। तो आप अज्यूम करो 40 मार्क्स आपका एग्जाम में मिल रहा है और आपका 15 मार्क्स यहाँ पे, तो 100 में से आपका 55 मार्क्स स्कोर हो जा रहा है, तो नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे, मैं आपको प्लीज़ आप जाके वीडियो देख लीजिए, थोड़ी चीज़ आपको हेल्प करेगा वीडियो। ठीक है, सो 15 अप्रैल आपका क्लियर हो गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 16 को बैक टू बैक के पेपर है, नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा 16 अप्रैल को कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है। गाइस, कॉस्ट अकाउंटिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग का इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको थोड़ा बहुत देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिकल जितना आप प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे तो उतना आपको ईजी पड़ेगा आपको आंसर करने के लिए। ठीक है, कोई भी सम्स आएगा, कोई भी मेथड्स का आएगा तो आप कर लोगे। सो कॉस्ट अकाउंटिंग में काफ़ी फोकस करना, वो थोड़ा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट है, बट थोड़ा सा ठीक है। सो फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका होगा वो थोड़ा आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके प्लीज़ रिफ़र करिए, एटलीस्ट देखिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको इम्पोर्टेंस आइडिया मिल जाएगा कि और आप कैसे अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को, जितना आपने अभी तक स्टडी किया है। ठीक है, सो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको यहाँ पे क्लियर होता है, इसमें टॉपिक इजी है, आप देखोगे टॉपिक इजी है, 2 3 चैप्टर काफ़ी इजी है, आप पूरे 1 2 चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है और बाकी, बट आपको स्कोरिंग करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, तो इजी चैप्टर भी है इसमें, 2 से 3 इजी चैप्टर है, उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसका भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जाके आप देख लीजिए एटलीस्ट।
तो थोड़ा बहुत और आइडिया मिल जाएगा कैसे आपको और अच्छा स्कोर करना है मार्क्स, ठीक है। टैक्सेशन पार्ट आप देखोगे 19 को एग्ज़ाम है, सो गाइस आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं। 15 से आपका एग्ज़ाम होगा, 16 को होगा, 18 को होगा, 19 को होगा, बीच में जो गैप मिल रहा है 17 अप्रैल, आई गेस ओकेशन ऑफ रामनवमी, ठीक है। सो एक दिन का आपको गैप मिल रहा है, हॉलीडे मिल रहा है, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आपके पास एक दिन टाइम मिल रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए अच्छे से और प्रैक्टिकल अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो काफ़ी चीज़ काफ़ी आप स्कोर कर पाओगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड में, ठीक है। और सो 19 अप्रैल को आपका है टैक्सेशन। टैक्सेशन में भी बुक देखोगे काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, इजी है उसके उसके हर चैप्टर इजी है, उसका हर प्रैक्टिकल बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है टैक्सेशन में। उसमें भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, थोड़ा आपको जीएसटी का जो नॉलेज है उसको और एक्सप्लोर करना है। उसके बाद जो आपका आता है दो ऑप्शंस, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन सब्जेक्ट है, काफ़ी कम रेयर क्लास कॉलेजेस में होता है, डेट इज़ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देन सेकेंड आपका आता है मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम। सो अभी तक का मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैंने काफ़ी अपने ऑडियंस को कहा था कि इफ़ यू वॉन्ट टू रिक्वायर दैट वीडियो प्लीज़ पुट अ मैसेज ऑन कमेंट, तो उनका कोई भी कमेंट्स नहीं आया क्योंकि डेट सी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इतना ही कॉलेज में इसको ऑप्ट किया जाता है। प्लीज़ आपको मेरे चैनल पे इस दो टॉपिक्स के वीडियो नहीं मिलेंगे, बहुत कम कॉलेजेस में ही इसको ऑप्ट किया जाता है, तो इतना रिलेवेंट नहीं लगा मुझे इस बनाने में वीडियो, ठीक है। सो आपका लास्ट पेपर आता है 24 अप्रैल, इकोनॉमिक्स पेपर, जो कि आपको काफ़ी लंबा टाइम मिल जाएगा। 19 के बाद आपको डायरेक्ट 24 को एग्ज़ाम है, ठीक है। 19 के बाद आपको 24 का एग्ज़ाम है, काफ़ी आपको 3 से 4 दिन मिल जाता है अच्छे से थ्योरी पेपर की स्टडी करने के लिए, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स काफ़ी थ्योरी पार्ट पूरा थ्योरी है। क्या होता है यहाँ पे वेब के स्टूडेंट होते हैं जो कि थ्योरी में उनको इंटरेस्ट नहीं आता क्योंकि 5 प्रैक्टिकल आपने दे दिया और एक थ्योरी की वजह से आप लोग इतने ज़्यादा स्टडी नहीं करते हो और आंसर में आप फेकोलॉजी करते हो, जिससे आपको जो मार्क्स मिलता है बहुत गंदा मार्क्स मिलता है, ठीक है। सो गाइस इकोनॉमिक्स है, प्लीज़ 2 3 to 4 days है अच्छे से स्टडी करिए और मार्क्स निकालिए, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, आप जो भी थ्योरी पार्ट जो भी थ्योरी होता है, वेदर इट इज़ प्रैक्टिकल और वेदर इट इज़ थ्योरी सब्जेक्ट, प्लीज़ आंसर आप क्लियर लिखो, कुछ भी फेकोलॉजी मत करो, ठीक है। भले से आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखोगे, पॉइंट पर पॉइंट मार्क्स मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। आपको 5 पॉइंट लिखोगे 5 में से 5 भी मार्क्स मिल जाता है, वही आप सोचोगे मैं 1 पेज 2 पेज का आंसर लिख के आऊँगा तो पूरा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। काफ़ी आप फेकोलॉजी करोगे तो मार्क्स भी आपको वही जो 5 5 मार्क्स से एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट गाइज कि आपको जो आंसर करना है रिलेवेंट आंसर ही देना, उनको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका रिलेवेंट आंसर होना चाहिए, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट नोट्स आप नीचे देख रहे हो, द कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन शुड रिपोर्ट 20 मिनट बिफोर द एग्जाम स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। सो गाइस आपको 20 मिनट्स पहले ही आपको पहुंचना है आपके एग्जामिनेशन हॉल में, सेंटर आपका लगता है, ठीक है। होप आपको सबको हॉल टिकट्स और काफ़ी चीज़ आपको मिल गए रहेंगे, आपके सेंटर भी आपको पता चल गया रहेगा, ठीक है। देन मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आर प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन आपको नहीं वेयर कर नहीं रखना है अपने पास। इन चेंज इफ एनी इन द टाइम टेबल शेल बी कम्युनिकेट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, कुछ भी चेंजेस आता है सो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिक का मेरा इंटेंशन ये था आज का इस वीडियो बनाने का कि एटलीस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है, 11 अप्रैल, अभी भी आपके पास 3 डेज का बफर टाइम्स है, आप अच्छे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करिए, उसके बाद आगे का भी प्रिपरेशन आप कंटिन्यूस कर दीजिए।
ठीक है। सो गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए जो बैफ के स्टूडेंट हैं।